Hey, good morning, guys. Welcome back to my channel for a change. मैं हूँ रुचिर. आज है जी फ्राइडे. फ्राइडे यानी कि वीकेंड. और वीकेंड पे अलग ही खुशी होती है कसम से. मतलब पूरे हफ्ते के बाद है ना वीकेंड एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे इंसान मेरे को लगता है सबसे ज्यादा खुश होता है कि हाँ भाई अब थोड़ा आराम मिला. चलो भाई आज निकल गए सुबह सुबह जिम के लिए फॉर्चुनेटली क्योंकि काम थोड़ा लिमिट में था. ट्रैक्टर यार ट्रैक्टर बढ़िया लगता है मेरे को चलाने में बड़ा मजा आता है इसको कसम से. पर कोई चलाने को दे दे बस यार. एक तो ये पता नहीं हमारे यहाँ पे कब खत्म होगा ऐसे लेके जाना सरियों को. सरिया लेके जाना इतना लंबा इसमें रिक्शे में रख दिया यार पूरा थोड़ी आ रहा है वो पीछे तक निकल रहा है. पीछे तक विजिबिलिटी कम हो जाती है. अभी तो चलो फिर भी दिन है तो दिन में मैनेजेबल है लेकिन रात को अगर देखो नहीं दिखेगा. बंदा सीधे अंदर जाएगा. जो चला रहे रिक्शा उसके लिए भी दिक्कत है और जो ठुकेगा इसमें उसके लिए भी दिक्कत है. तो कुछ नहीं है. ट्रक्स वगैरह में आपने देखा होगा कि पीछे तक निकल के आते हैं सरिये जिसमें लोड होता है. यार मतलब कितना रिस्की होता है. कभी भी यार विजिबिलिटी कम हुई कुछ भी यार एक्सीडेंट होगा ना इतना खतरनाक कि बंदा बचेगा ही नहीं. इस पे रोक होनी चाहिए भाई. इस पे रोक होनी चाहिए. ये देखो भैया ने थार क्या बढ़िया बना रखी है. एकदम जेरिकैन वेरिकैन लगा के पूरा एकदम सेट मामला. गाड़ी खराब हो गई लगता है तभी ये लगा रखा है ट्रायंगल हजार ट्रायंगल. ये तो फिर भी ठीक है. कभी आपने देखा ना बस या कुछ कमर्शियल गाड़ी कोई खराब होती है तो उसमें तो वो झाड़ टांग देते हैं पेड़ की. उनका अलग ही इंडिकेशन चल रहा है. उनका अलग ही सिंबल चल रहा है कि भाई साहब झाड़ टांग दो मतलब गाड़ी खराब है. ये देखो मतलब पार्किंग की जगह पे भी ओवरटेक करना है भाई. सही है. तो अपने ना जहाँ पे जिम है उसमें मॉल में एक एप्पल का स्टोर है. मैं काफी दिन से सोच रहा हूँ कि एप्पल का स्टोर विजिट करना है मेरे को. क्यों? क्योंकि ना मेरे फोन की मेमोरी भर फुल हो जाती है और मेमोरी फुल होने का मतलब ये होता है कि जब मैं शूट कर रहा हूँ और बीच में जब आता है आईफोन स्टोरेज फुल तो पूरा का पूरा ना रीशूट करना पड़ता है और उसमें बहुत दिमाग खराब होता है. तो अभी मैं दिखाता हूँ क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता यार. मेरा 64 GB मानता हूँ कम वाला है ठीक है लेकिन इतना नहीं हो सकता कि कुछ ही वीडियोस में फोन फुल हो जाए. तो या तो डुप्लीकेट्स बन रहे हैं कुछ हो रहा है जो कि मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है. मैं एक बार फिगर आउट करवाता हूँ. मॉल में यहीं पे है आई इन्वेंट है पता नहीं कोई भी है तो उस पर दिखाता हूँ एक बार शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए. तो भैया अभी मैं गाड़ी पार्क कर रही और बॉटल निकाला था पानी की. भैया एकदम से आए कहते हैं यार ये मॉडल बढ़िया बना रखा है गाड़ी का. इसमें कितने लोग बैठते हैं क्या सामान रखने का है कैसी लगी फिर आपको गाड़ी? अच्छी है मतलब अच्छी मतलब किस लेवल की? बढ़िया वाली अच्छी है या छोटी मोटी अच्छी है? नहीं नहीं बढ़िया वाली अच्छी है. सामान भी अच्छी है. हाँ सामान रखने का अच्छा है इसमें. देख रहे हो गाड़ी बढ़िया है. हाँ हॉर्न मार दो सारे. हॉर्न मार दो भाई सारे हॉर्न मार दो. भाई साहब आज तगड़ी धूप है इतने दिनों बाद तीखी वाली एकदम चुभने वाली. चेक करवा लिया एप्पल से लेकिन उनका कहना वही है कि आई क्लाउड पे भी तब जाएगा. पहले इंटरनल स्टोरेज पे जाएगा फिर आई क्लाउड पे जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि जो आप कैप्चर कर रहे हो वो डायरेक्ट आई क्लाउड पे चला जाए तो विच इज अ प्रॉब्लम आई थिंक. तो ऐसी है जैसे जैसे चल रहा है. चलो जिम तो हो गया लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि इसुजु में मॉनसून कैंप लगा हुआ है और उसमें सर्विस पे लेबर पे कुछ डिस्काउंट चल रहा है. तो अब खड़क तो हो ही गई है कि कुछ दिखाऊं गाड़ी को कुछ करवाऊं. बात करी है वहां पर देखो क्या रिस्पांस आता है फिर बताता हूं आपको. यार ये देख लो कोई हिसाब नहीं है. मतलब किसी भी गाड़ी में कितना ही सामान कुछ भी लाद दो दूसरों को दिक्कत हो. अब देखो विजिबिलिटी रोड की कितनी कम हो गई है. मतलब अगर मैं यहाँ से भी ओवरटेक करूँ तो मेरे को पता ही लगेगा आगे कौन सी गाड़ी आ रही है. कुछ करो भाई साहब जो भी देख रहे हैं ना जो कंसर्न है कुछ कर लो इस चीज का. इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है. चलता फिरता पेड़ जा रहा है पूरा गाड़ी में. भाई जिंदगी है ना ये बंदा जी रहा है. बाइक लगा के मस्त हंस हंस के जनाब फोन पे गल्ला कर रहे हैं. आज की चल रही है फुल. तो भाई अभी जस्ट मैंने न्यूज पढ़ी है ये वाली मैन डाइज ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन ऑन ट्रेडमिल इन रोहिणी जिम. तो यार मतलब इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंस जिम की तरफ से या पता नहीं मशीन में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा. ट्रेडमिल पे कैसे करंट आया कोई लूज वायरिंग थी क्या था पता नहीं यार. क्योंकि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अलग अलग न्यूज़ दे रहे हैं कि कुछ लूज वायरिंग थी या मशीन में प्रॉब्लम आई. बट यार मतलब अनबेरेबल लॉस मैं तो ये बोलूँगा. और जैसे हम लोग भी जिम जाते हैं यार डेली है ना मशीन्स पे और ये सब पे वर्कआउट करते हैं
तो दिल्ली जिम एसोसिएशन ने अब जाके वार्निंग और एडवाइजरी दी है सारे जिम ओनर्स को दिल्ली में कि कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, नो लूज वायरिंग और ये सब जितने भी यू नो कॉशंस हैं वो सारे मेंशन करे हैं जिम ओनर्स के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर बार है ना ऐसे ही होता है कि पहले कुछ होता है उसके बाद एडवाइजरी आती है, पहले से कोई ध्यान नहीं रखता। तो इट इज़ अ प्योर केस ऑफ नेग्लिजेंस यार। मतलब आपकी अगर मशीन ख़राब है या प्रॉब्लम आ रही है आप उसका प्लग ऑफ करके रखो या आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड लगा के रखो तो कोई बंदा उस पर करेगा नहीं। मतलब एक आपके पास फीस दे के बंदा कोई आ रहा है जिम करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, उसके बाद ऐसा अगर हो जाए, सोचो यार मतलब बंदा घर से गया होगा, 24 इयर्स का था यार बंदा, घर से निकला होगा जिम करने के लिए सुबह, वही जैसे रूटीन होता है 7:15 बजे और ऐसा हो गया यार, बहुत ही गलत, बहुत गलत है यार। अब ये देखो यहाँ पे न्यूज़ दे रखी है और यहाँ पे लिखा कंटिन्यूड ऑन पेज 4, बट पेज 4 पे जब मैं जा रहा हूँ तो न्यूज़ ही नहीं है। ये पेज 4 है, इसमें कहीं भी ये न्यूज़ कंटिन्यू हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्या ही है। पेरेंट्स के लिए कितना बड़ा लॉस है यार, 24 इयर्स टू यंग एज, अभी तो वो आई थिंक MBA परस्यू कर रहा था जो भी, मतलब बट अनबेरेबल लॉस टू द फैमिली यार। वही इस वीडियो को जो भी देख रहा है, जितने भी आप लोग देख रहे हो, और अगर आप लोग जिम जाते हो या जिम नहीं भी जाते हो तो यार थोड़ा सा अपने तरफ है ना ध्यान बरतो, क्योंकि आप ये मत समझो कि मतलब कोई दूसरे ने देख लिया होगा, अपनी सेफ्टी ना अपने हाथ में है ये समझ के चलो। मुझे मालूम है, मेरे भी दिमाग में इनफैक्ट अभी आ रहा है कि यार मैं खुद जैसे जिम जाता हूँ तो मेरे को भी देख लेना चाहिए कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स यूज़ करने से पहले जिम में कि भाई उसमें कोई वायरिंग लूज तो नहीं है, कुछ करंट आने का सीन तो नहीं है। तो मैं भी आप लोग को ये बोलूँगा यार प्लीज़ हर जगह हर तरफ थोड़ा सा बी अलर्ट, बी कॉशियस, बी केयरफुल, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, बस ये समझो किसी के भरोसे मत रहो, ठीक है, कि किसी ने देख लिया होगा, हाँ ये तो मैनेजमेंट ने देख ही लिया होगा, नहीं, अपनी सेफ्टी अपने दिमाग में रखो और खुद कॉशियस रहो, मैं तो ये बोलूँगा इसको पढ़ने के बाद। तो ये मम्मी को लेने निकल गया और ये नई गाड़ियाँ आ गई हैं, बताओ रोज यहाँ पे ट्रक खड़ा हो जाता है नई गाड़ी के साथ। सब क्या फिजिक है, सॉलिड यार। तो जी वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस काले छोले चावल, मजा आ जाता है भाई साहब, साथ में थोड़े से प्याज। तो भाई कल का व्लॉग जरूर देखना, आज का तो देख ही रहे हो आप, बट कल का भी व्लॉग जरूर देखना क्योंकि कल हम लोग यानी लव भाई और मैं जाएंगे फॉर ऑफ रोड। यस, ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं जी और देखते हैं, मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा गुड़गांव में, यहीं बनवारी एक जगह, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम होगा। बाकी यार आई एम रियली एक्साइटेड, वी क्रॉस के साथ पहली बार ऑफ रोडिंग करने जाऊंगा एंड लव भाई की स्कॉर्पियो एन कैसा परफॉर्म करेगी। सो स्कॉर्पियो एन इज 4x2, माइन इज 4x4, तो देखेंगे किस गाड़ी में कितनी कैसे कैपेबिलिटी है एंड क्या क्या टेरेन्स कॉन्कर कर सकती है गाड़ी, कल देखते हैं। बाकी यार जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं कि मेरे को ऑफ रोडिंग भयंकर पसंद है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ऑफ रोडिंग के लिए ना मुझे कहीं भी बुला लो फ़ोन करके कि भाई यहाँ पे ट्रैक है या यहाँ पे ट्रेल अवेलेबल है ऑफ रोडिंग के लिए, मैं उड़ के आ जाऊँगा सीरियसली, इतनी ज़्यादा पसंद है। तो बस यार उसी का एक्साइटमेंट है कि कल सुबह जाना है, बाकी देखते हैं कैसा निकल के आता है। तो अर्ली मॉर्निंग जाएंगे अराउंड 5 or 6, और ताकि क्योंकि धूप वूप ना हो और रश भी ना हो वहाँ पर, क्योंकि आजकल क्या है काफ़ी लोग दिल्ली NCR में कह रहा है कि सारे 4x4 के शौकीन आ चुके हैं, तो क्या है बहुत ज़्यादा रश लग जाता है ऐसा सुनने में मुझे आया है और वीडियोस वगैरह देखी है मैंने वहाँ की। बाकी अपन सुबह सुबह जाएंगे ताकि भीड़ भाड़ और रश ना हो, अपने को ट्रेल थोड़ी मिल जाए फ्री, क्योंकि यार भीड़ में मज़ा नहीं आएगा ऑब्वियसली। हाँ जी एक बात बताऊँ, कल लव भाई और मैं जा रहे हैं ऑफ रोडिंग पे, पहली बार वी क्रॉस के साथ ऑफ रोडिंग करूँगा, सफारी से तो बहुत करी थी बट पहली बार वी क्रॉस के साथ, मजा आ रहा है भाई साहब। यही गुड़गांव में एक जगह, यार तू आराम से चलाइयो, एक तो ना रचे तू चलाता बड़ा, मेरे को बहुत डर लगता है तेरा, जब से तू पहाड़ी पे हमें लेके गया ना एक बार कर बैठ गया, जब साक्षी ने बताया स्पेशली कि बिल्कुल वो नीचे खाई और एकदम कॉर्नर पर हम लोग थे और वो मेरे को तो दहशत सी हो जाती है यार, बहुत आराम से चलाना, लव और तुम दोनों हो ना फिर तो चलो ठीक है, और दोनों ही ध्यान रखना अपना। अरे ध्यान रखेंगे, कोई हम कोई कुदाने थोड़ी वाले हैं, गाड़ियां कुदाने नहीं वाले, पर वो जो एक तुम्हारा जो एक्साइटमेंट होता है ना उसका लेवल जो है ना वो तुम्हें पता नहीं चलता तुम कब क्रॉस कर जाते हो। ऐसा कब हुआ है यार, वो मैंने कई बार तेरे को ब्लॉग्स में देखा है, वो ऐसे टायर के निशान बनाने के चक्कर में डोनट्स
नहीं नहीं यार, आराम से चलो ना प्लीज। हाँ हाँ, विल टेक केयर, गाड़ियों से प्यार है हमें, तोड़ने नहीं जा रहे गाड़ियों को। तो क्या, ऑफ रोडिंग तो ठीक है, मजा आता है, फुल एकदम थ्रिल मिल जाता है, बट ऑफ रोडिंग के बाद गाड़ी धुलवाने की जो जल्दी लगती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई साहब इतनी गंदी हो जाती है गाड़ी। और कई कई जैसे ट्रेन्स होती है ना, जो स्लश वाली होती है, जहाँ पे कीचड़ होता है, वहाँ तो अंडर बॉडी तक में कुछ पार्ट्स पे ऐसे मिट्टी चिपक जाती है कि हाई प्रेशर के बावजूद भी नहीं उतरती, अगर थोड़ा सा उसको डिले कर दो वॉशिंग में। तो मैं अभी छत पे आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस वाले में, ये जो नींबू का पेड़ है जो मैंने लगाया था कोविड में, इसमें एक डाल में ज़्यादा शक्ति आ गई है। देखो कैसे अलग से उग गई है एकदम। भाई हमारे नेबर्स ने है ना तगड़ा सीन कर रखा है किचन गार्डनिंग का पूरा। ये देखो, ये बैंगन उग रहा है और ये पपीते का पेड़ है, पपीते भी निकल के आ चुके हैं इसमें छोटे छोटे, सब कुछ उगा रखा है इन्होंने, सब कुछ। ये जो पूरा जाल सा दिख रहा है, इसमें तोरी और न जाने घिया विया सब उगा रखा था भाई साहब, सब चीज़ उगा दी। ये देखो लिली फ्लावर्स क्या मस्त उगे हुए हैं यार बारिश में, बहुत सही, बहुत ही सुंदर, वाह। चलो जी, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल आपसे ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन पे, तब तक के लिए देखते रहिए फॉर अ चेंज। अगर वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ गई हो प्लीज डू गिव इट अ लाइक, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप शेयरिंग द वीडियो। कोई भी सजेशन फीडबैक्स हैं जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।